रत्न शिखा टाइम, देश के किसानों की आवाज। गुलाबी नगरी जयपुर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान के कोने कोने से श्रमजीवी पत्रकारों का आगमन हो रहा है। 25 और 26 अगस्त को यहाँ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया यानी NUJI का राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस अधिवेशन को लेकर मेजबान जर्नलिस्ट यूनियन ऑफ राजस्थान यानी JAR की तैयारियों को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं हैं, उसे एक एक कर जानने की कोशिश करते हैं। NUJI के द्विवार्षिक अधिवेशन में आज सबका स्वागत है। हम लोग यूपी से, हमारे पूरे प्रदेश के लोग, संख्या काफी संख्या आ गई है, कुछ लोग कल सुबह भी आ रहे हैं। हम सबसे पहले आमंत्रित करना चाहेंगे अपने संरक्षक मंडल के श्री अजय कुमार जी को कि आए और अपना विचार रखें। वीरों की धरती राजस्थान और राजस्थान की राजधानी जयपुर, आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हमारे पत्रकार साथी, NUJI के तमाम कर्मठ पत्रकार साथी आज इस जयपुर की धरा पर उपस्थित हुए हैं। हम लखनऊ की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। मित्रों, कल जो हम लोगों का सम्मेलन, दो दिवसीय सम्मेलन यहाँ पर है, उसमें पत्रकार हितों की बात, आज पत्रकारों की क्या स्थिति है, शासन स्तर से या सरकार की तरफ से हम लोगों को किस किस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है, किस तरह से हमारी अवहेलना की जा रही है, ये सारे विचार और प्रस्ताव हम पेश करेंगे। वहां पर हमारे अधिकारीगण, पदाधिकारीगण सभी जिलों के हमारे यहाँ आए हुए, चाहे प्रतापगढ़ हो, सुल्तानपुर हो, बलिया हो, आजमगढ़ हो, देवरिया हो, गोरखपुर हो, सीतापुर हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, चरखरी हो, जितने भी जिले हैं आप देखिए, वहां के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर आए हुए हैं। और एक एक प्रतिनिधि अगर आप मान लीजिए तो 1,000 पत्रकारों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर हमारे उत्तर प्रदेश से 135 के लगभग प्रतिनिधि यहाँ पर, पत्रकार प्रतिनिधि आ चुके हैं, हम लखनऊ की ओर से उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, कल का सम्मेलन बहुत सफल होगा, हम सब आशा और विश्वास इसी में कर रहे हैं कि जयपुर से हम कोई एक नया संदेश अपने लोगों के लिए, अपने पत्रकारों के लिए ले जाएंगे और सरकार से हम कैसे आगे लड़ेंगे इसकी प्रेरणा भी हम यहाँ से लेके आएंगे। इसी के साथ हम सभी आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन और नंदन करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजय कुमार जी। अब मैं हमारे आदरणीय जो NUJI उत्तर प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष होने जा रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और वो बताएंगे कि किस तरह से पत्रकार हितों को लेकर वो आगे की अपनी रणनीति बनाकर हम लोगों के सामने लेकर आए। श्री वीरेंद्र सक्सेना जी। उत्तर प्रदेश के हमारे पत्रकार साथियों, आप जिस बड़ी संख्या में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसको देख के ये लग रहा है कि आपका उत्साह चरम पर है और आप दोनों उत्साह से यहाँ आकर के इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए आए हैं और संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। मित्रों, आज पत्रकारों की स्थिति दिन ब दिन जो है वो कमजोर होती जा रही है और सरकार और प्रशासन हम लोगों पे हावी होने की कोशिश करता जा रहा है। आज हमको जरूरत है कि हम सारे लोग एक होकर के इस प्रशासन पर, इस शासन पर, इस सरकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें और इसके लिए हमें संघर्ष की जो भी स्थिति, जो भी कदम उठाना पड़े हम इसके लिए उठाएं। आज हमारी इत्तेफाक से आंध्र प्रदेश के कुछ पत्रकारों से बात हो रही थी और उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं स्तब्ध रह गया और आप भी स्तब्ध रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि साहब, हमारे यहाँ अगर कोई पत्रकार सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा उठाता है तो आप समझ लीजिए कि उसकी जान की सुरक्षा नहीं है और उसका जो है निश्चित रूप से एक दो रोज में मर्डर हो जाना निश्चित है। यहाँ तक कि अगर किसी बिल्डर के यहाँ आप चले जाएं और उससे पूछें ये बिल्डिंग के बारे में, तो वो तुरंत जो है मिनिस्टर को फोन कर देता है और मिनिस्टर पुलिस को फोन कर देती है और पुलिस आती है और पत्रकार को पकड़ कर ले जाती है कि आप यहाँ आए थे ब्लैकमेल करने के लिए, चलिए जेल में जाइए। तो इस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, निश्चित रूप से ये हम लोगों की कुछ कमजोरी की ही वजह से ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। हम लोग ये चाहते हैं आज जो हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं इस अधिवेशन के लिए, हमारी ये संकल्प होना चाहिए कि अब हम जो बिखर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से बिखराव की स्थिति हो रही है, हम सब लोग जो है उत्तर प्रदेश NUJI की उत्तर प्रदेश शाखा में
उस एक बैनर के तले इकट्ठे होकर के और मजबूती से जो है इस अत्याचार और दमन के खिलाफ कसकर संघर्ष करें, लड़े और जो भी कदम उठाना पड़े वो कदम हम उठाएंगे। मित्रों, अब इसके लिए संगठन को मजबूत बनाने की बहुत जरूरत है और जहां तक मेरी ताकत होगी मैं जिलों जिलों में जाऊंगा, लोगों को अपनी योजना बताऊंगा और लोगों से हाथ जोड़कर सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना करूंगा कि ये एक अंतिम समय है कि आप लोग साथ आ जाइए और साथ मिलकर के संघर्ष करिए। अगर हम लोग साथ मिलकर संघर्ष नहीं करेंगे तो सरकार या प्रशासन का धर्मात्मक रवैया हमेशा जो है बढ़ता चला जाएगा और फिर हमें उठने में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अतः हम जितने भी हमारे पत्रकार आज यहाँ आए हैं, हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे पत्रकार एकत्रित हुए हैं और अभी सुबह तक और पत्रकार भी आएंगे। हम सबसे यह आग्रह करते हैं, सर्वत्र प्रार्थना करते हैं कि भाइयों अब आपस का मतभेद दूर करिए, भूल जाइए कि आप क्या हैं और दस्त संगठन न बनाइए, एक बैनर के तले एकत्र होइए और जमकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जो है आप संघर्ष करिए। और अब हम आप सब लोगों से, जितने लोग यहाँ आएंगे और सब लोग आएंगे, आप लोगों से फिर बार बार यही कहेंगे कि अब आप जो है किसी भ्रम में मत पड़िए कि हम उस संगठन में हैं, हम इस संगठन में हैं, हमें वीरेंद्र सक्सेना पसंद नहीं है, हमें प्रमोद गोस्वामी पसंद नहीं है, हम जा रहे हैं दूसरे संगठन में। इसका नतीजा यही होगा जो आज हो रहा है, जो हम लोगों की स्थिति है। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बात करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, सर्वत्र प्रार्थना करता हूँ कि आप एक बैनर से तले आए और एकजुट होकर संघर्ष करें और हमें ये दिखा देना है कि सरकार हो या प्रशासन, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है, हम चौथे स्तंभ है और स्तंभ बन के रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री अध्यक्ष जी वीरेंद्र सक्सेना जी। जैसा कि आपने बताया कि किसी भी संघर्ष में संगठन की मजबूती एकजुटता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बिना एकजुटता के आप कभी भी किसी आंदोलन में अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं।